वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माई नेम इज जसदीप कौर, आई एम अ करियर काउंसलर, वेलबींग कोच एंड अ पब्लिक स्पीकर। टूडेज मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज बाय श्री गुरु नानक देव जी इन राग तनासरी अंग 685 ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपनी जिंदगी विच अमल करते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पहला, कर दूजा, अष्टपदियां इक ओंकार, सतगुरु प्रसाद। गुर सागर रतनी पर पूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे। हर रस चोक चुगे प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ। सतगुरु नाम दे अमोलक रत्ना नाल परपूर अमृत सागर है। इस तो दूर ना रहंदे संत हंस, एथो नाम अमृत चुगदे हन। प्रभ पावनी अनुसार ही रसीले हरि नाम दा चोगा चुगया जांदा है। गुरु ज्ञानी सागर विच संत हंसा नू प्राणपति प्रभु मिलदा है, पर मनमुख बगला चिकड़लियां छपड़ियां विच ही नहांदा है। उस दी डोबवे चिकड़ दी विकारी मैल कदे भी नहीं उतरदी। सो टुडेज हुक्मनामा is a beautiful distinction of why it is important to seek the blessings of Almighty and seek the clarity. Why it is important to follow the advice of the Guru. See, what truly works is truth in any sphere of life. मान लो कि साढ़े किसी भी एरिया विच, मान लो हेल्थ है, फैमिली है, रिलेशनशिप्स है, फाइनेंसिस है, किसी भी एरिया विच सानू एडवाइस की लोड़ है, सानू क्लैरिटी की लोड़ है। कभी वारी की असी करते हैं कि वी आर नॉट स्पीकिंग टू द रेलेवेंट पीपल। असी इधरों उधरों लोगों को सलाह लेंदे रहने हैं, या फिर असी अपने ही थॉट्स नाल ही इंटेंगल्ड रहने हैं। असी आप ही चीज़ों लभन की कोशिश करते रहने, आप ही चीज़ों गूगल कर करके उन्हें क्लीयर करने की कोशिश करते रहने, विच अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी लाइक just banging your head against the wall. We reach nowhere. So it's very important to seek the blessings of our Almighty, ki sanu clarity mile, and seek the advice of the expert. Man lo koi health hi issue hai, it's very important to go to the specialist, apne proper test karwa ke usdi guidance seek karo, usdi advice nu follow karo. मान लो करियर क्लैरिटी नहीं है, या करियर विच एक ऑप्शन चाहिए ने, वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू द एक्सपर्ट, गो टू द करियर काउंसलर। मान लो कुछ रिलेशनशिप विच प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स विच प्रॉब्लम्स नाल की हुंदा है, वी आर जस्ट स्पीकिंग टू पीपल हेयर एंड देयर, मेरे नाल ऐ होया, मेरे नाल ऐ होया। देर आर टू ऑप्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द पर्सन कंसर्न, जिदे नाल प्रॉब्लम है सीधा उहदे नाल गल करो, एंड क्रिएट सम विन विन सिचुएशन एंड सॉर्ट आउट द मैटर, और सीक द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट, कोई इस तरह का इंसान जिहड़ा कि तुहाडे रिलेशनशिप विच चीज़ां सॉर्ट आउट करन विच सपोर्ट कर सकदा है। सो एक्सपर्ट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ब्यूटिफुली सैड दैट नॉट टू बैंग योर हैड अगेंस्ट द वॉल। सी, क्या बक बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए। वो मैल कदी भी नहीं जाती, वो नेगेटिविटी कदी भी नहीं जाती, अगर तुसी क्लैरिटी नहीं सीक करोगे। सो इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक द क्लैरिटी। सो वी शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ और ओवरली प्राइडफुल और इवन फियरफुल ऑफ सीकिंग द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट। प्रोफेसनल एडवाइस साडा टाइम भी सेव कर सकती है, एंड वी कैन अल्टीमेटली रीच और गोल और लुक फॉरवर्ड टू सक्सेस। सो सीक द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट, एंड ऑलवेज प्रे द ऑलमाइटी कि सानू ठीक डायरेक्शन दिखाए। अल्टीमेटली राइट डायरेक्शन इज द की टू हैव अ फ्रूटफुल लाइफ। सो आज जिस चीज़ नो अमल करो, लुक इन टू योर वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ वे यू आर जस्ट बैंगिंग योर हैड अगेंस्ट द वॉल, यू आर रीचिंग नो वेयर, कन्फ्यूजन होर बढ़ती जा रही है, नेगेटिव थॉट्स होर कर लेने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਗੋ ਟੂ ਦ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਸੀਕ ਦ ਐਡਵਾਈਸ, ਫੋਲੋ ਦ ਐਡਵਾਈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੁਡੇ ਫੋਲੋ ਦਿਸ, ਦੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵਿਦ ਮੀ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬੀ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਬੀ ਹੈਪੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।